नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो आपके लिए काफी खास और स्पेशल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आप फोटो से बर्थडे के लिए बहुत अच्छा अच्छा स्लाइड शो वाला वीडियो बना सकते हैं। तो आप भी अगर बर्थडे के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्लाइड शो बर्थडे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर को क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बर्थडे वीडियो मेकर। क्या सर्च करना है? बर्थडे वीडियो सॉन्ग एंड नेम, इसको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, थर्ड नंबर पे बर्थडे वीडियो मेकर विथ सॉन्ग, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, डाउनलोड करके रखा है, आपको इंस्टॉल करना होगा। इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन कर लेंगे देखते हैं ओपन करके, अब देखिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, बाकी हमारा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखिए हमारा ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए साइड में आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको वीडियो बनाने के लिए आ गया है। तो ये सेकेंड नंबर में देखिए बर्थडे स्लाइड शो मेकर, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए गैलरी ओपन हो चुका है, यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से फोटो सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो चलिए फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए वहाँ पे ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको डन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल इस तरीके से वीडियो बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपको और बहुत सारे ये डिज़ाइंस मिल जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, कि फ़ोटो कैसे आना है देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो जो अच्छा लगता है आपको वो आप इसमें कर सकते हैं। तो मेरे को ये फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसी को रहने देता हूँ। अब देखिए साइड में आपको फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। फ्रेम का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं रख लेता हूँ। और बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और देखिए ये थर्ड नंबर में आपको म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये म्यूज़िक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, बर्थडे म्यूज़िक या फिर आप जो डाउनलोड किए रहेंगे अपने मनपसंद उसको ऐड म्यूज़िक फ्रॉम योर मोबाइल, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप अपना मनपसंद सॉन्ग इसमें डाउनलोड करके रखेंगे उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब देखिए साइड में आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। इसमें आप पीछे का जो कलर ये दिख रहा है बैकग्राउंड, उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से काफ़ी अच्छा लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से। तो जो अच्छा लगता है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से, तो ये अच्छा लग रहा है, इसको रहने देता हूँ। अब देखिए साइड में आपको स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ से आप कोई भी स्टिकर यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए ये वाला स्टिकर यूज़ कर लेते हैं। अब इसको छोटा करके कहीं साइड में लगा देते हैं इधर, ये हो गया बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको साइड में टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं जिसका बर्थडे है, तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ये नाम हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, तो जो आपको अच्छा लगता है उसमें चेंज कर लीजिएगा, ये हो गया। अब इसको कहीं पर रख देते हैं साइड में, इधर रख देते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए यहाँ साइड में आपको टाइम का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक कर लेना है। अब इसको ये जो फोटो आ रहा है उसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारा वीडियो बनेगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर में सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा वीडियो जो है वो सेव हो रहा है, धीरे धीरे एंडेड होगा, फिर सेव हो जाता है और आपकी गैलरी में भी चला जाता है। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिटिंग ऑडियो हो गया, क्रिएटिंग वीडियो, वीडियो को थोड़ा सा क्रिएट होने में टाइम लग रहा है। तो ये देखिए हमारा वीडियो जो है वो अब डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आप फेसबुक में, व्हाट्सअप में, जीमेल में, यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं और ये आपके गैलरी में भी चला जाता है। तो इस तरीके से आप भी बर्थडे के लिए वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं और जो भी डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, उसको इंस्टा के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।